हेलो दोस्तों गवर्नमेंट आईटीआई स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम आज आपको आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा जो आपकी ऑनलाइन कराई जा रही है इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को कराने वाले हैं जिसमें हम आईटीआई टी इलेक्ट्रीशियन के सेकंड ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों आज हम सेकेंड ईयर का सिंक्रोनस मोटर एंड एम जी सेट से क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट सफलता आपको प्राप्त करवाएंगे और आप सभी के लिए अभी मौका है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सेम टू तो सेम पूछे जाएंगे इनमें कोई भी चेंजेस की आवश्यकता नहीं है जो आपकी आईटीआई की इलेक्ट्रीसन की 2021 में जो परीक्षा हो रही है इसमें पास कराने में हंड्रेड परसेंट भागीदारी निभाएंगे और आप बिना किसी किताब के पढ़े आप हमारी वीडियो देखकर एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं जिसमें आपको किसी भी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स या कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके ट्रेड के इलेक्ट्रिशियन फिटर कोपा आदि उन सभी को वीडियो को शेयर कर दें और जिससे उन सभी का फ़ायदा भी हो सके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दो सौ अठहत्तर व्हाट इज़ द नेम ऑफ कन्वर्टर अर्थात कन्वर्टर का नाम क्या है दोस्तों आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है कन्वर्टर जो आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा तो इसका नाम क्या है तो इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, अर्थात सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर दो सौ उनासी वाट इज़ द नेम ऑफ कन्वर्टर अर्थात कन्वर्टर का नाम क्या है दोस्तों आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कन्वर्टर तो इसका नाम क्या है दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम देखने को मिलेंगे इनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होने वाला है तो आपको इन क्वेश्चनों का आंसर याद कर लेना है तो इसका राइट right आंसर है रोटरी कन्वर्टर अर्थात रोटरी कन्वर्टर इसका राइट right आंसर है तो भी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है और दोस्तों ये क्वेश्चन के जितने भी विकल्प दिए गए हैं आपको इसी ही पोजीशन पर मिलेंगे कि पहला यही मिलेगा बी यही मिलेगा सी यही मिलेगा डी यही मिलेगा तो आप में इन किसी भी प्रकार का एक भी प्रतीक या चिन्ह या एक भी शब्द या अक्सर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होएगा आप विश्वास रखें ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम सेंट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 280 सौ अस्सी वाई डी सी सप्लाई इज़ नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन अर्थात सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आवर्ती आपूर्ति क्यों आवश्यक है तो इसका राइट right आंसर है रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड अर्थात मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो डी इस क्वेश्चन का राइट right? आंसर है तो क्वेश्चन right? नंबर दो सौ इक्यासी विच एक्ट एज बोथ इन्वर्टर एज कन्वर्टर अर्थात जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है वह क्या है तो इसका राइट right आंसर है सिंक्रोनाइज कन्वर्टर अर्थात तुल्यकालिक कन्वर्टर तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है डी तो डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर दो सौ वाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर अर्थात इन्वर्टर का कार्य क्या है तो इन्वर्टर का कार्य क्या है तो इसका राइट right आंसर है कन्वर्ट टू डीसी टू एसी अर्थात डीसी को एसी में बदलना तो बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाने वाले हैं इन्हें आप याद कर लें क्वेश्चन नंबर दो सौ तिरासी विच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड अर्थात कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है रेक्टिफायर यूनिट अर्थात दिष्टकारी यूनिट तो ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर दो सौ चौरासी वाई एग्जिटायर एज एसेंटियल टू रन ए सिंक्रोनस मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है रन द मोटर एज सिंक्रोनस स्पीड अर्थात मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए इस right तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है डी तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर दो सौ पिचासी विच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी अर्थात किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है तो इसका राइट right आंसर है इलेक्ट्रो प्लेटिंग अर्थात विद्युत लेपन तो ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ए क्वेश्चन नंबर दो सौ छियासी वाई द एल ई डी आर एवॉइड एज कन्वर्टर इन रेक्टिफायर डायोड अर्थात दिष्टकारी डायोड में एल ई डी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है तो इसका राइट आंसर है वेरी पावर पावर डिवाइस अर्थात बहुत कम शक्ति युक्ति तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है बी तो बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दो सौ सतासी विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर्स का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है तो इसका राइट right आंसर है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस अर्थात पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है तो डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर दो सौ अठासी वाट इज द एडवेंटेज मोटर जनरेटर सेट अर्थात मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल अर्थात डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है तो डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है डी तो क्वेश्चन नंबर दो सौ नवासी वाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ ए रोटरी कन्वर्टर अर्थात रोटरी कन्वर्टर के एक्स भाग का कार्य क्या है दोस्तों ये रोटरी कन्वर्टर है इसमें एक्स भाग दिख रहा है तो इसका कार्य क्या है ये पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन सेट से बाहर नहीं जाने वाले हैं आपके क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं तो इसका राइट आंसर है तो दोस्तों हम इसका राइट आंसर आपको बता दे रहे हैं दोस्तों हम सभी विकल्प को पढ़ते नहीं हैं जिससे आपका समय बचे इसी प्रकार इसका डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्शन करंट अर्थात विपरीत प्रत्यक्ष धारा को एकत्रित करना तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर दो सौ नब्बे वाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर बाइंडिंग इन ए सिंक्रोनाइज मोटर एट स्टार्टिंग अर्थात शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है तो इसमें डैम्पिंग वाइंडिंग का उद्देश्य है प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंशन ए कॉन्स्टेंट स्पीड अर्थात नियंत्रण एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें तो डी इस क्वेश्चन का राइट right, आंसर है क्वेश्चन नंबर दो सौ इक्यानवे व्हाट इज द सिंक्रोनस मोटर फेल्स टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड अर्थात सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती तो इसका कारण है दोस्तों इंसफी सेंट एक्साइटेशन अर्थात अपर्याप्त उत्तेजना तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ए दोस्त तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों यदि हम कुछ गलत बता दें आपको इंग्लिश में कुछ हिंदी में कुछ तो आप घबराए नहीं आप खुद भी पढ़ सकते हो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो हमने दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर दो सौ बयानवे हाउ द सिंक्रोनस मोटर इज यूज एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर अर्थात सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है तो इसका राइट right आंसर है बैरिंग द रोटर एक्साइटेशन अर्थात रोटर की उत्तेजना में बदलाव तो बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है क्वेश्चन नंबर दो सौ तिरानवे वाट इज द फंक्शन ऑफ डैम्पर बाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर अर्थात तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग बाइंडिंग का कार्य क्या है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर को शुरू करें इसलिए तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग बाइंडिंग का यही कार्य है तो इस क्वेश्चन का डी इसका राइट right आंसर है सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई इफिशियंसी अर्थात कौन से कन्वर्टर में उत्तर है तो आपका इसका राइट right आंसर क्या है आप बताइए कमेंट में तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है एस सी आर कन्वर्टर तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है तो ये इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर दो सौ पचानवे सिंक्रोनस मोटर वर्कस एज ए पावर फैक्टर करेक्टर अर्थात कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है तो ये कैसे काम करता है तो ये काम करता है वेरिंग द फील्ड एक्सटेंशन अर्थात फील्ड की उत्तेजना में बदलाव तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है बी तो बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को चैनल को शेयर कर दें और उनमें चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत